और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर रांची के हिनू में स्थानीय लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस दौरान कई लोगों ने केंद्रीय योजनाओं के लाभ उठाए और मौके पर विकसित भारत संकल्प भी लिया। राजधानी रांची के नगरीय क्षेत्रों के भ्रमण के क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा जब हिनू के शुक्ला कॉलोनी पहुंची तो स्थानीय लोगों ने आगे बढ़कर इसका स्वागत किया। इस पड़ाव की सबसे खास बात यह रही कि यहां अनेक लोगों ने केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाया जो जानकारी के अभाव में इससे वंचित थे। मौके पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लाभुक मार्गरेट तिग्गा और राधा देवी ने योजना से जुड़कर अपनी सफलता की कहानी बयां की। लोन के तहत मुझे 10,000 का लोन मिला है। इस लोन की मदद से मैंने अपने रोजगार को बढ़ाया है। चाहती हूँ कि जो भी स्वनिधि योजना स्टार्ट हुआ है उनका लाभ सभी को उठाना चाहिए और मैं भी उठा रही हूँ। इस पड़ाव पर शंकर मुंडा भी मिले जिन्होंने कहा कि कोरोना काल से अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से उन्हें बड़ा सहारा मिला है। रसोई गैस उनके पास पहले से उपलब्ध है। यहाँ मौजूद नंदलाल ने केंद्र सरकार को गरीबों का हितैषी बताया। हर महीना मिलता है 35 चावल गेहूं। प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य करते हैं, सब चीज मिलता है, हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो है वो किसी भी सदस्य को मिल सकता है जिसके पास राशन कार्ड वगैरह हो। इसी तरह दूसरे कई लाभुकों ने भी केंद्रीय योजनाओं की सराहना की। खासकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभुकों की एक बड़ी तादाद यहां देखने को मिली। 25 किलो चावल मिलता है, 15 किलो चावल मिल रहा है राशन चावल, और कोरोना समय से ही हम लोग को 15 किलो चावल चल रहा है। इससे बहुत भलाई हो जा रहा है, मिल रहा है, कम से कम मदद तो मिल रहा है। इस संकल्प यात्रा के दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट वाली फोटो के साथ सेल्फी भी ली। लोगों को योजनाओं की जानकारी वाली पुस्तिका और कैलेंडर भी दिया गया। बड़े स्क्रीन पर लोग केंद्रीय योजनाओं की जानकारी पाकर काफी खुश दिखे। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार, विकसित भारत।